हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कैनन की 25-25 मशीन है। इस पर हम कॉपियाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी कॉपियाँ हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि ये है कॉपी, वहाँ पे देख रहा हूँ प्रिंट हो रही हैं। बाकी उस मशीन पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उस मशीन पर भी हमारी कॉपी प्रिंटिंग चल रही है। दोस्तों, हमारी इस मशीन में प्रॉब्लम आ रही है 25-25 में, ये प्रिंट करते में ये हल्का सा प्रिंट टेढ़ा हो रहा है। देखो आप, यहाँ पर लाइन टेढ़ी हो रही है, बल्कि लाइन जो है प्रिंट पर वो सीधी है पीडीएफ फाइल में। तो ये लाइन ऐसे टेढ़ी होकर आ रही है, लहरा के आ रही है। जैसे मैं आपको यहाँ प्रिंटिंग में दिखाऊं कि प्रिंटिंग भी कंटिन्यू चल ही रही है। तो जैसे कि मैं आपको ये प्रिंट दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये प्रिंट आया हमारा, और इस प्रिंट में आप देख पा रहे हो ये लाइन जो है लहरा के आ रही है। आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये लाइन ऐसे लहरा के आ रही है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों, हमें इसका लेजर यूनिट चेक करना पड़ेगा। उस लेजर यूनिट में क्या होता है, हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी, और इसके जो पॉइंट होते हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और लेजर यूनिट जो होती है हमारी, इससे ढक्कन के नीचे होती है, ये बारा ढक्कन खोलना पड़ेगा। और ये लेफ्ट में 2-3 पेच लगे होते हैं स्क्रू, उनको हमें खोल के लेजर यूनिट को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें लेजर यूनिट की पोजीशन चेक करनी होगी, जो वो सही पोजीशन पर रखा है या नहीं रखा है। तो हमें लेजर यूनिट बाहर निकाल के सही से साफ़ करना है, और उसको एक्सिट लोकेशन पर जो उसकी पोजीशन होती है वहाँ हमें फिट करना है। फिर उसके बाद हम ये प्रिंटिंग करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं। देखिए अभी भी लाइन आ रही है, तो अभी मैं इस प्रिंटिंग को रोक देता हूँ। उसके बाद मैं आगे इसमें साफ़ सफाई करके और लेजर यूनिट द्वारा फिट करके इसका दोबारा से प्रिंट करके देखूँगा। तो दोस्तों, लेजर यूनिट खोलने के लिए हमें अपनी मशीन को थोड़ा सरकाना पड़ेगा, क्योंकि लेजर यूनिट इस साइड है और इस साइड हम दीवार पड़ रही है। तो हमें इस मशीन को ऐसे रोटेट करके घुमाना होगा, उसके बाद हम आपको इसमें से लेजर यूनिट को बाहर निकाल के साफ़ करना सिखाते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं मशीन को घुमा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये मशीन को साइड में खिसका लिया है। खिसकाने के बाद ये मैंने इसका फ्रंट कवर के ऊपर जो लेजर यूनिट के ऊपर रखा रहता है, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रखा होता है। तो मैंने इसमें फ्रंट डोर खोल के इसको हल्का सा बाहर की तरफ स्लाइड किया है, तो ये कवर हमारा बाहर आ गया है। इसके बाद हमें ये वाला ढक्कन को बाहर निकालना है, जिसमें कि 2-3 स्क्रू लगे होते हैं। एक यहाँ होता है और एक दो वहाँ पर होते हैं, एक वहाँ पर होता है, एक यहाँ होता है। इसको मैंने स्क्रू यहाँ के निकाल लिए हैं, तो उसको हम सिंपली से यहाँ से निकाल के साइड में रख देते हैं। रखने के बाद जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, हमारी ये लेज़र यूनिट बाहर दिखने लगी है। इसको बाहर निकालने के लिए हमें एक ये नट खोलना पड़ेगा, तो मैं ये वाला नट खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद इसको बाहर निकालने का तरीका बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने ये स्क्रू है यहाँ का ओपन कर लिया है। सिंपली आपको उस पत्ती को साइड में रख देना है, हमें अब दोबारा से पत्ती इसमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको ये लेज़र यूनिट है, इसको हल्के से ऊपर उठा के लेफ्ट साइड को हिला के बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों, इसमें ये कुछ तार होते हैं, कनेक्टर होते हैं, जो यहाँ फिट होते हैं, तो सिंपली हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, सिंपली इसको बाहर को पकड़ो और ऊपर की तरफ को आपको खींचना है दोनों कनेक्टर को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, इनमें लेज़र यूनिट में ऊपर ये फॉर्म लगी होती है इस तरह की, जो कि हमें इनमें वापस लगानी होती है। तो इनको आप संभाल के रखना, क्योंकि ये कचड़ा छड़ा जाने से बचाती है हमारी लेज़र यूनिट को। दोस्तों, ये कनेक्टर हमारे यहाँ होते हैं, ये वाले, एक ये होता है, एक ये होता है, तो इनको भी हमें बाहर निकालना है। ये वाला कनेक्टर तो दोस्तों, सिंपली आप इसको बाहर खींचोगे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इस कनेक्टर में ये लॉक होता है ऊपर, आपको और मैं पास से दिखाऊँ ये वाला लॉक। तो इसको हमें दबा के बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसे कि इसको मैं सिंपली बाहर खींचूँगा इस वाले कनेक्टर को, तो ये कनेक्टर रिमूव हो जाएगा। देखिए, ये कनेक्टर बाहर आ गया। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें ये वाला जो लॉक है, इसको ऐसे दबा के बाहर की तरफ निकालना है।
ये जो लॉक है आपको उसको नाखून से ऐसे नीचे की तरफ दबाना है, इसको ऐसे और बाहर की तरफ खींच लेना है। देखिए जी बाहर आ गया। उसके बाद पूरी तरह से लेजर यूनिट हमारी बाहर निकलने के लिए तैयार है। इसको सिंपली आप पकड़ के ऐसे उठा के साइड में या कहीं पे भी सेफ जगह रख लीजिए, जिससे कि हम इसको साफ़ कर पाएँ। तो मैं इसको बाहर यहाँ टेबल पर रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको खोल के साफ़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह बना के इसको यहाँ रख लिया है। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए इसमें चार पांच नट लगे होते हैं ऊपर के ढक्कन में, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों नट खोल के हमें इस ढक्कन को बाहर निकालना है। तो मैं ये पांचों नट खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके सारे स्क्रू हैं ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद सिंपली आपको इस कवर को ऐसे पकड़ के इस साइड में रख देना है। तो दोस्तों ये हमारी लेजर यूनिट बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप सिंपली ये लेंस देख पा रहे हो, जैसे कि ये फॉर्म है, इसको भी साइड में रख देना, बाद में हमें इसे लगाना पड़ेगा। इसमें एक ये कर्व लेंस है और एक ये स्ट्रेट लेंस है, और बाकी कुछ छोटे छोटे सपोर्टिंग लेंस भी यहाँ आसपास में लगे होते हैं, जैसे कि एक लेंस यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है लेंस, और बाकी एक यहाँ है, और ये पॉलीगन मोटर है। तो हमें इन सबको अच्छे से कॉटन वाले कपड़े से साफ़ कर लेना है और चेक करना है कि कहीं कोई गंदगी रह ना जाए। उसके बाद हमें इसको दोबारा से पैक करके मशीन में फिट करना है। दोस्तों मैं इसको साफ़ कर लेता हूं। अगर आपको इसको पता नहीं कैसे साफ़ करते हैं, तो मैंने एक और अपने चैनल पर वीडियो डाली है लेज़र रूम को किस तरीके से साफ़ करें, तो आप मेरे चैनल पर भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर आगे से आपको इसको पैकिंग करके अच्छे से दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने ये लेज़र रूम को अपने को साफ़ कर लिया है, उस पॉलीगन मोटर को भी साफ़ कर लिया है। इसकी जो साइड हैं, इसके साइड होती हैं, उनको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो मैंने दोस्तों इसकी साइड जो है अच्छे से साफ़ कर ली है। तो बाकी ये कर्व लेंस है और ये स्ट्रेट लेंस है, बाकी ये छोटे छोटे सपोर्टिंग लेंस है, इनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। सिंपली आपको कॉटन कपड़े से इनको हल्के हाथ से साफ़ करना है और देखना है कचरा रहना जाए। तो उसके बाद दोस्तों सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, अपना कवर लेके इसको पैक कर देना है। सिंपली कवर को रख के हमने जो इसमें स्क्रू खोले थे वो हमें इसमें वापस से लगा देने हैं। तो दोस्तों मैंने इसके जो सारे स्क्रू हैं वो इसमें फिट कर दिए हैं। उसके बाद सिंपली हमें इसको मशीन में फिट कर देना है। तो मैं कैसे फिट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसको हम मशीन में फिट कर देते हैं। तो मशीन को लेज़र यूनिट को मशीन में फिट करने से पहले यहाँ पे इस जगह जो कचरा है वो हमें कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा कचरा है, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। कभी कभी इसमें टोनर भी फैल जाता है, तो आप जब भी खोलें मशीन को तो यहाँ पे सफाई कर लें थोड़ी। दोस्तों इसको लगाने के लिए हमें सिंपली इसको ऐसे रख देना है, और इसमें कुछ लॉक होते हैं, एक यहाँ होता है और बाकी एक सेंटर में लॉक होता है जहाँ जाकर ये फंसता है। तो इसको हमें अपनी इस पत्ती को यहाँ हम लगाते हैं, इसको सेंटर में रख के इसको लेफ़्ट राइट करके हमें प्रेस करना है। तो प्रेस करने से पहले हमने जो कनेक्टर निकाले थे वो हमें इसमें वापस लगा देने हैं। वो लगाने का वही तरीका है जैसे हमने कि यहाँ से निकाले थे, जैसे कि यहाँ हमने लेफ़्ट में जो वो कनेक्टर निकाले थे यहाँ से, इस जगह से जो हमने कनेक्टर ये लिखा लेते हैं, जैसे कि येलो वाला है, तो मैं आपको कनेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। इसको सिंपली बस प्रेस करना है, और एक ये कनेक्टर है, इसको भी कुछ नहीं करना, सिंपली लगा के इसको प्रेस ही करना है। इसको सीधे से लगा के प्रेस कर दो तो ये लॉक हो जाएगा अच्छे से। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों अच्छे से लॉक हो गए हैं। उसके बाद ये जो कनेक्टर हैं इनको भी हमें इसमें लगा देना है, जैसे कि ये कनेक्टर है। इसको भी इसको रख के हमें प्रेस कर देना है, तो ये भी इसमें लग जाएगा अच्छे से। उसके बाद कनेक्टर ये है जो लेफ्ट वाला, उसको हमें यहाँ लगा देना है
ऐसे सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इनको ऐसे रख के जस्ट प्रेस करना होता है, हल्का सा रख के ऐसे इनको दबा देना है। ऐसे दबाने के बाद जो हमने फॉर्म निकाले थे ये वाले, वो हमें यहीं इन्हीं के ऊपर रख देना है जिससे कि इनमें कचड़ा ना जाए। उसके बाद हमें इसको अपने लेजर यूनिट को यहाँ इस पेज को यहाँ लगाते हैं, इसके सेंटर से मिला के लेफ्ट राइट करके एडजस्ट करते हुए हमें बाहर रखना है। तो आप देख पा रहे हो ये फिट हो गया है और ये बिल्कुल पोजीशन पे आ गया है। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें जो इसमें से हमने पत्ती निकाली थी ये वाली, वो हमें यहाँ रख देना है। रख के इसमें से जो एक स्क्रू हमने यहाँ से निकाला था वो हमें यहाँ इसमें फिट कर देना है। तो वो स्क्रू भी मैं लगा देता हूँ। इस स्क्रू को ज़्यादा ढीला भी ना रखें और ज़्यादा ज़ोर से कसे भी नहीं, बस इतना कर दीजिए कि ये लेज़र यूनिट, जैसे मशीन को कभी हम लेफ़्ट राइट घुमाते हैं या मशीन की पोजीशन जगह बदलते हैं दुकान में, तो ये हिले ना लेज़र यूनिट। तो इसको सिंपली लगाने के बाद हमने जो इसके साइड डोर्स वगैरह खोले थे, जैसे कि ये वाला डोर हो गया, ये डोर को भी लगाने से पहले ध्यान रखना दोस्तों, ये वाली जो पिन है ये वाली, वो यहाँ जाके कनेक्ट होती है। जैसे कि ये जो पिन है वो यहाँ जाके इस होल में जाके फिट होती है, इस वाले में, जिससे ही हमारा जो ऑन ऑफ का बटन होता है यहाँ वो काम करता है। जैसे कि आप ऑन करोगे तो ये ऐसे होगा ऑन और ये ऑफ होगा, ऐसे काम करता है। ये आगे पीछे होता है। जैसे कि ये ढक्कन है, इसको आप दबाओगे तो ये जो है वायर आगे पीछे होगा, इसी से जाके हमारी ये मशीन ऑन ऑफ होगी। तो इसको आप ढक्कन को लगाते समय ध्यान रखना कि ये जो पिन है वो हमारी इसके अंदर फिट हो जाए। मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये लेजर यूनिट फिट करने के बाद एक जो कवर है, जो हमारा ये वाला कवर, वो भी हमें यहाँ लगा देना है। लगाने के लिए सिंपली आपको इसको ये लॉक दिख रहे हैं, ये वाले जगह दिख रही है आपको, ये इनमें इसके जो लॉक फंसाने हैं, जो इसमें लॉक होते हैं, और आपको मशीन को चालू करके देखना है, प्रिंटिंग करके देखना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली सही हो चुकी होगी। और प्रिंट भी है, जो प्रिंट लाइट वाइट हो रहा होगा तो वो भी डार्क हो चुका होगा। तो दोस्तों मैंने मशीन पैक करने के बाद इस पर जो हमारा अधूरा सेट रह गया था, जैसे कि ये वाला सेट है, इसके क्या है, काफ़ी सेट हैं जो प्रिंट करना है हमें कॉपी के, जो आप देख रहे हो जो डार्क जो लाइन की प्रॉब्लम आ रही थी ये टेढ़ी, तो अभी इसका जो बचा कुचा सेट है वो मैंने इस पर डाला है प्रिंटिंग के लिए। तो आप देख पा रहे हो अब लाइनिंग की जो प्रॉब्लम है, जो कर्व लाइन आ रही थी हमारी, वो सही हो चुकी है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, जी देखो इसमें जो लाइन टेढ़ी आ रही थी वो अब सही आ रही है, देखो। तो दोस्तों ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट में आप मुझे कर सकते हैं, मैं टाइम मिलते ही ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।